को मैं फटाक से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हाई स्कूल के गोश 2018 का सॉल्व पेपर का सेक्शन ए मैं पिछले वीडियो में सॉल्व करके देख चुका हूँ। तो इस वीडियो में उसका सेक्शन बी सॉल्व करके दूंगा। तो उसमें छः प्रश्न थे, छः क्वेश्चन थे, वो आप तक पहुँच गए होंगे। सातवा प्रश्न शुरू करते हैं, तो देखते हैं। यह है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द सी एफ ऑफ 210 एंड 55। तो 210 और 55 का एस सी एफ निकालना है किसके जरिए से? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए से, बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। डी को हम डिवाइडेंड माने, तो डी इज इक्वल टू क्यू इंटू डी प्लस आर। तो कैपिटल डी से हमने डिवाइडेंड को माना है और स्मॉल डी से डिवाइजर, और क्यू हमारा क्वेश्चेंट है और आर रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल होता है क्वेश्चेंट इंटू डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर। टू नंबर्स हैं तो इसमें हम पहले बड़े नंबर को डिविडेंड मानते हैं और दूसरे छोटे नंबर को डिवाइजर मानते हैं। तो इस तरीके से 55 को इसमें 55 से 210 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारा 55 × 3 प्लस 45। 55 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और उसमें 45 जोड़ दें तो ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। अब अगले स्टेप के लिए जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर होगा और 55 डिविडेंड होगा। तो 55 इज इक्वल टू, इसको इस तरह समझ लें, 45 × 1 प्लस कितना बचेगा? 45 1 बार जाएगा तो यहाँ से हमारा 10 रिमाइंडर बचेगा। तो ये 45 × 1 + 10। अगले स्टेप के लिए ये 45 हमारा डिविडेंड रहेगा और 10 डिवाइजर। तो 10 का से डिवाइड करें 45 को तो 4 टाइम्स जा रहा है ये, 10 × 4 = 40 और 5 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब अगले स्टेप के लिए 10 डिविडेंड होगा और 5 हमारा डिवाइजर। तो 5 × 2 = 10 होगा, इसके बराबर होगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अब जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो फिर जो डिवाइजर होता है वही इनका हमारा दोनों जो नंबर्स हैं उनका एस सी एफ कहलाएगा। तो यही हमारा एस सी एफ होगा। हैंस द एच सी एफ ऑफ 210 and 55 इज 5 इफ द इक्वेशन इज ax² bx + c = 0 देन द डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। अब अगर ये हमारी इक्वेशन है तो अगर ये इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होगा b² - 4ac। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो a = 1 होगा, b = -3 और c = 3/2। देन द रिक्वायर्ड डिस्क्रिमिनेंट इज d = b² - 4ac है तो b की जगह -3² - 4 × a(1) और 3/2। 3 × 3 = 9 हो गया। माइनस पे जो पावर है वो 2 है, यानी सम संख्या है, तो फिर ये माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, प्लस के 9 आएंगे,
माइनस टू से ये 4 कट गए, और दो 2 से 3 बाद 3 टू जा 6, तो डी हमारा आ गया 3। अभी हमारा दिया है कि दी फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। अब हम निकालेंगे नेचर ऑफ इट्स रूट, नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि डी इज ग्रेटर देन 0 इसलिए द रूट्स आर रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से ग्रेटर ग्रेटर है तो फिर माई रूट्स रियल होंगे एंड डी इज 3। ये 3 हमारा ऐसी संख्या नहीं है जिसका ये किसी का रूट नहीं है, इसलिए द रूट्स आर इरेशनल। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा है इसलिए रूट्स रियल होंगे, और डी डिस्क्रिमिनेंट 3 है यानी ये 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसके जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एंड क्यू एस टी आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंड क्यू एस टी। पहले इसकी हम फिगर बनाते हैं पी क्यू आर और क्यू एस टी। तो ये हमारा ट्रायंगल मान लेते हैं पी क्यू आर, और ध्यान ये रखना है कि ये इक्विलेटरल है यानी तीनों ही इसकी आर्म्स हैं वो इक्वल हैं पी क्यू के बराबर, पी क्यू क्यू आर और आर पी, ये तीनों ही हमारी बराबर है। अब एस ऐसा पॉइंट है जो क्यू आर का मिड पॉइंट है यानी बिल्कुल बीचे बीच में है, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब टी हमारा कहाँ होगा, इसकी दो कंडीशंस बन सकती हैं जो कि एक टी यहाँ भी हो सकता है दूसरा टी यहाँ भी हो सकता है, तो टी चाहे यहाँ ले या यहाँ ले ये क्यू एस टी और क्यू टी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं और इसको ये भी मान सकते हैं, तो क्यू एस टी ये भी हो सकता है क्यू एस टी डैश मान लेते हैं ये हो सकता है, तो चूंकि ये इक्विलेटरल है इसलिए टी एस और एस क्यू और एस टी क्यू बराबर होंगी। वी नो दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर, जहाँ ए है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की कोई भुजा हो सकती है क्योंकि तीनों भुजाएं हमारी बराबर हैं। अब हमें इनके पी क्यू आर और क्यू एस टी के जो एरियाज हैं उनका रेशियो निकालना है, तो हम निकालेंगे पहले द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू √3/4 क्यू आर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू √3/4 इंटू क्यू एस का स्क्वायर। द रेशियो ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन ट्राइंगल क्यू एस टी। यहाँ से हम इसके क्षेत्र एरिया लगा देंगे 3√3/4 क्यू आर स्क्वायर अपॉन √3/4 क्यू एस स्क्वायर,
तो रूट थ्री अपॉन फोर, रूट थ्री अपॉन कट जाएगा। क्यू आर, एस हमारा मिडिल पॉइंट है, तो क्यू आर जो हो जाएगी हमारी 2 QS के बराबर हो जाएगी, अपॉन QS² हो जाएगा 4 into QS² अपॉन QS² QS QS कट गया तो ये आ गया 4/1 इज इक्वल टू 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डैश, तो इसमें डिवाइड द एक्स, डिवाइड एक्स का एक्स टू द 4 - 5x + 6 / 2 - x² एंड फाइंड द क्वेश्चन इन रिमाइंडर। तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2 - x² से, एक्स टू द पावर 4 - 5x + 6। तो हमको ये करना है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक्स टू पावर 4 के इक्वल हो जाए, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -(-+)x^4, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के 2x², इसको घटा देंगे माइनस कर देंगे तो ये सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये सारा कट जाएगा। और फिर ये x/1 पावर है, ये 2 है, तो ये इससे घटाव नहीं होगा, तो हम इसको वैसे ही उतार लेंगे, ये प्लस का 2x² - 5x + 6। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये प्लस का 2x² हो जाए, तो इसमें माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई इसको किया तो ये हो जाएगा 2x², और जब इसको इससे करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, माइनस के 4 हो जाएगा, और जब हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 5x हैं, तो ये माइनस के 5x ही रहेंगे, ये 6 प्लस के हो, ये 4 प्लस के हो, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे। अब इसमें x2 है और इसमें सिर्फ x है, तो इसमें भाग अब नहीं जा सकता, ये पावर ज़्यादा है डिवाइजर की, इसलिए हम इसमें अब एक बार भी हम टेबल नहीं पढ़ सकते, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर और ये आ जाएगा कोशेंट। हेंस कोशेंट इज -(x²) - 2, रिमाइंडर इज -(5x+10)। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इसमें 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके सेक्शन बी में 12 तक हैं, तो अभी हमारे 10, 11 और 12 क्वेश्चन बाकी, हम अगले वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, अगले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,